कामयाब होने के लिए क्या एज लिमिट होती है? क्या इंसान अगर 30 का हो गया है तो उसके बाद वो कामयाब नहीं हो सकता, ये उसे मान लेना चाहिए? बड़े ही सिंपल शब्दों में कामयाबी के लिए एज फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको इस मूवी में पता चलेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन प्रवीण तांबे मूवी के बारे में। ये मूवी एक रियल पर्सन प्रवीण तांबे के ऊपर ही आधारित है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए उन्होंने कितने सालों तक वेट क्या तपस्या की उसके लिए। प्रवीण तांबे जब 12 साल के थे तब से इनको क्रिकेट से प्यार हो गया था और इन्होंने फैसला किया था कि मैं रणजी खेलूंगा, लेकिन इस जर्नी के दौरान उनको कितना ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा, यहां पर उनको कितना वेट करना पड़ा। नो डाउट वो अच्छा खेले, उन्होंने मेहनत बहुत की और एक लगन उनके अंदर रही, लेकिन बावजूद उसके कि बहुत सारे फैक्टर लाइफ में ऐसे आते हैं, कभी टाइम ऐसा आ जाता है, कोई इंसान बीच में आ जाता है, फिर वहां पर उनको कितना वेट करना पड़ा और उनको ऐसी ऐसी जॉब्स करनी पड़ी जो एक होता है ना कि यार बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इतना उन्हें जलील भी होना पड़ा, ऐसा मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात पूछी थी कि क्या कोई एज फैक्टर होता है कामयाबी के लिए, तो ये मूवी आपको जब जवाब देती है आपको पता चलेगा भैया 40 साल की उम्र में ये रणजी, 40 साल से भी ज़्यादा की एज में ये रणजी में जब सेलेक्ट होते हैं तो ये बात बताती है कि कोई एज फैक्टर नहीं होता। इंसान को अपने उस मुकाम को पाने के लिए मैदान में डट के खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबत सामने आएंगी, चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। 41 साल की एज में प्रवीण पहला अपना आईपीएल खेलते हैं, मतलब वो उस वक्त ऐसा पल उनके सामने आता है कि उनके जितना भी उन्होंने जो दर्द जो स्ट्रगल वो सहा है उनका सारा फल अब उनको मिल रहा है। उस वक्त डेफिनेटली बहुत सारे लोग उनकी कामयाबी को ही मतलब पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये इंसान कामयाब हो गया, कोई भी आपका स्ट्रगल कोई भी नहीं देखने वाला कि आपने जिंदगी में क्या सहा है, कितना आपने जलील होना पड़ा है, कैसे कैसे काम आपको करने पड़े, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। एट द एंड कोई लोग भी आपके बारे में बात करेंगे सिर्फ कामयाबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो स्ट्रगल होता है ना रियलिटी में वो बहुत कुछ सिखाता है इंसान को और वो चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली हैं। प्रवीण तांबे ओल्डेस्ट प्लेयर बना आईपीएल में खेलने वाला और सोचो उसके बाद उनका रणजी के अंदर सिलेक्शन होता है 40 साल की एज के बाद। ये स्ट्रगल ये कामयाबी उन लोगों को प्रेरणा देती है जो ये सोच कर बैठे हैं कि अब यार मैं 30 का हो गया या फिर अब मैं 35 का हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। और ये तमाम बातें आपके दिमाग में डालता कौन है? वो मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको बोलते हैं अरे इस एज तक कामयाब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना तो तुम हो ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट जरूर करके चले जाते हैं। इंसान की जो मन की पावर है उसे डेफिनेटली कोई नहीं जानता है, तो खुद पर यकीन करो और बस बोलने दो जिनको जो बोलते हैं और बस अपने काम में लगे रहो। क्या है मूवी का रिव्यू करते करते कहां मोटिवेशन के ऊपर आ गया, मूवी के ऊपर बात करते हैं। ये मूवी जिसमें हमें क्रिकेट के प्रति इसमें चीजें दिखाई जाती हैं, मुझे सिर्फ में क्रिकेट नहीं पसंद है नहीं है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उससे कोई नफरत करता हूं, बावजूद इसके कि जो एक क्रिकेटर लवर नहीं है और इस मूवी के लिए शुरू से लेकर आखिर तक इस मूवी में बंधा रहा, वो सोचो इसकी कहानी में कितना दम होगा और कितने अच्छे से इस मूवी को रिप्रेजेंट किया गया होगा। डेफिनेटली बहुत बढ़िया और मैं बहुत मतलब दिल से चाहता हूँ कि आप लोग ये मूवी देखें। मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप इस मूवी से बहुत कुछ सीखेंगे भी, तो आप जाकर इस मूवी को जरूर देखें। कोई भी इसके अंदर ऐसा एडल्ट सीन नहीं है, ना कोई गाली गलौज है, बहुत एक अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ आप देखें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि यार मूवी आप मिस नहीं कर सकते, बहुत कुछ इससे आप रिलेट कर पाओगे आपके साथ जो हो रहा है या जो हो चुका है या शायद होने वाला है। ये आप कहानी देखोगे प्रवीण तांबे की तो आपको पता चलेगा ये सबके साथ होता है, कैसी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने सपनों के साथ भी काम करना पड़ता है और कोई और नहीं आएगा आपको कामयाबी दिलाने की, आप ही हो जो आपको खुद को कामयाब कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस मूवी को जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।